लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने रोड शो के साथ ही यूपी से अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी है। प्रियंका के साथ अब आपको यूपी में गुलाबी ड्रेस पहने हुए कांग्रेसियों का एक दल भी दिखेगा जो प्रियंका के साथ काम करने के लिए उतरा है। इस ड्रेस पे प्रियंका गांधी की तस्वीर और एक मैसेज भी छपा हुआ है। ये लोग खुद को प्रियंका सेना कहकर पुकारते हैं। प्रियंका सेना में करीब 500 कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं। इनकी माने तो ये ग्रुप नया नहीं है, लेकिन उन्होंने ड्रेस पहली बार पहनी है ताकि कांग्रेस की महासचिव को ये लगे कि उनके साथ काम करने वाले अनुशासित हैं। बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले ही प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी गई है। इस क्षेत्र में करीब 40 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रियंका आज पहली बार लखनऊ गई हैं, जहां रोड शो के बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को लेकर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी खूब जोश देखने को मिल रहा है। पूरे लखनऊ शहर को प्रियंका के पोस्टर से पाट दिया गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा की मदद के लिए कांग्रेस की ओर से एक 35 लोगों की टीम बनाई है, जिसकी रणनीति है कि उन सीटों पर ज़्यादा मेहनत की जाए जिन पर 20% तक दलित समुदाय का प्रभाव है। ऐसी कुल सीटें उत्तर प्रदेश में 40 हैं, जिनमें 17 आरक्षित हैं। वीके न्यूज़ की रिपोर्ट।